इंग्लिश में 10 में 9 किसके आए हैं? आप क्या आए हैं? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है सिंप्लीफाई करना और वैल्यू निकालनी है. सो 3t-3 = 5 2t + 1 चेक करो. सो 3 का मल्टीप्लाई करो लक्ष्य के अंदर, बोलो अंदर मल्टीप्लाई करो 3 का. आप बताओ समय सर 3t करो रीतिका प्लस आद्या प्लस 5. इस 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई, इस 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई. समझ में आई बात? 3t है. अगला स्टेप शौर्या बताओ. 3t सर -10t उधर वाला इधर आ गया -10t और उधर 5 है. सर 5 को प्लस 9 उधर चला गया 9 साइन चेंज हो गया और इधर का इसका साइन चेंज हो गया. प्रीति का आगे बताओ कितना लिखे यहाँ. रयान सर -7 माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन बड़े वाले का साइन आएगा तो कितना आएगा -7 और इधर 14. चलो t = क्या हो जाएगा 14 अपॉन माइनस सेवन होती है वो डिवाइड में चली जाती है. तो अब 7 से कट करो. 7 1 = 7 और 7 2 = 2 तो -1. वैसे तो 2 by -1 है लेकिन माइनस तो ऊपर भी जा सकता है ना. -2 by 1 या फिर सिर्फ क्या लिखा जा सकता है t = -2. समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो. 8th क्वेश्चन है 15 y - 4 - 2 y - 9 +5 y + 6 = 0. मान से इसको बोलो. हाँ देवव्रत -16 देवव्रत अगला बताओ. -2y हाँ -18 ठीक नहीं बता रहे हो. माइनस का माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया प्लस 18 आप बताइए सर +5y +30 + 30 = 0. अब हमारे पास जितने y है एक साइड लिखो. 15y - 2y -16 + 13 इन दोनों को ऐड कर लो प्लस प्लस वालों ये बताओ ये कितना हुआ. सब्ट्रैक्ट करो और बड़े वाले का साइन लगा. सब्ट्रैक्ट लक्ष्य सब्ट्रैक्ट करो -12 -12 = 60 है और 48 सब्ट्रैक्ट कर लो कैरी लो तो 2 आ गया. और सर बड़े वाले का साइन लगेगा. बड़े वाले का साइन तो -12 आया = 0.
तो बोलो 18y क्या हुआ? 0 प्लस 12 है, 0 प्लस 12 तो 12 भी होता है। यस सर। 18y इज इक्वल टू 12, तो y क्या हुआ? सर 12 बाय 18, 12 क्योंकि प्रोडक्ट में है ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 18 सर, 6 बाय 9 सर, 2 अपॉन a3। हां क्योंकि 6 से कट कर दो, 6 बाय 9 हो गया। वो भी एक ही बात है, वैसे 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो y कितना हुआ? सर 2 बाय 3। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन। सो नाइन्थ क्वेश्चन इज 3 5z - 7। 3 5z - 7 -2 9z - 11 इज इक्वल्स टू 4 8z - 13 और फिर -17। चलो आद्या इसको खोलो सर। 15z हाँ -21। ओके प्रीति का इसको बताओ। 18z विद साइन बताओ क्या लिखा है। आगे -22 क्या होता है? +22 पलक सर 32z -52 -17 सो दिस इज 15z और -18z और -32z जो z है वो इस साइड ले आओ। सो -32z इज इक्वल टू लगाओ, सारे जो डिजिट है वो सब किधर जाएंगे? देख लो ये दो डिजिट है, ये उधर चले जाएंगे। मैंने जेड जेड एक तरफ ले लिया, अब -22 उधर गया तो बोलो क्या बना? +21 ये जाएगा तो सर -22। अच्छा और ये तो अपनी तरफ -22 -17 ठीक है। अच्छा 15z -18z करो जरा आज दिया -3z क्योंकि बड़े वाले का साइन लगेगा, -3 और -32z। अच्छा इसको बताओ जरा आद्या सर, इन दोनों को करो चेक सर। 43 -43 चेक करो, देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो -1 क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट करो लेकिन साइन बड़े वाले का लगा दो। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। ये दोनों निगेटिव है, इनको ऐड कर दो सर। 8 -68 -69 सही है। yes. अच्छा ये बताओ पलक, -3z और -32z सर -35z -35z इज इक्वल्स टू सर -17। वेरी गुड -17। अब मैं क्या करता हूँ, z यही रखता हूँ, इजी इक्वल टू -17 अपॉन 35 -35 हुआ क्या? नेगेटिव को नेगेटिव से कट कर दें। यस सर। अच्छा ये दोनों 5 से कट सकते हैं क्या? यस सर। कटेंगे तो 5 से काटो 7 सर, 7 है 5 से ऊपर वाला काटो सर 10 नो सर। वैसे भी कट सकते हैं 2 टाइम जाएंगे लेकिन और लोगों के लिए, तो 5 1 is 5 सर 14 क्या? तो फिर कितना हो गया? 14 20 तो दैट इज 14 आ गया कि नहीं सर? z इज इक्वल टू 2 तो अब इसको 7 से कट करो तो z कितना आ गया? 2 z इज इक्वल टू 2 आ गया। नाउ नोट कर लिया? यस सर। मानसी सबसे सरल क्वेश्चन करा रहे, आ जाओ। चलो एक करके चली जाओ फिर नोट करती रहना। हेलो लो ओके नाउ
रितिका ये कर लोगी? अच्छा नोट करो, पहले नोट करो। नाउ देव बताइए, नाइन्थ वाला ना, नाइन्थ को फिर से बताता हूँ। थ्री से मल्टीप्लाई किया, थ्री फाइव जार 15 और थ्री सेवन जार 21, निगेटिव साइन आया, ठीक है। माइनस इससे करो तो माइनस टू से इसको करो, माइनस 18 दे और माइनस का इसमें तो प्लस 22 हुआ। फिर फोर एट जार 32, 32 जार और इसे किया तो 13 4 जा 52 और निगेटिव साइन आ गया। तो ये जेड ये तो लिखा ही यहाँ पे, 32 इधर कर दिया माइनस 32 हो गया और ये दोनों माइनस 22 उधर ले गए प्लस 22 और प्लस 22 उधर ले गए माइनस 22। बाकी सर गलत कर दिया, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं एक मिनट करने दो, बताना नहीं दीजिए। तो इन दोनों को किया तो माइनस 3z क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके बढ़ेगा साइन और इसको लिख लिया। इन दोनों को करो तो माइनस 1 और इन दोनों को ऐड कर दो माइनस 69। इन दोनों को जोड़ो क्योंकि दोनों ही निगेटिव है तो माइनस 35। इन दोनों को भी जोड़ दो तो माइनस 70। फिर डिवाइड कर दो, चेक करता हूँ। आप गलत नहीं है कहीं, हाँ मैं उसका देखा देख लूंगा। समीर आ जाओ, एक मिनट देख लें, अभी रुक जाओ। सिंपल है, अभी अभी लगी क्या? हाँ चलो आ जाओ आते हैं। यहाँ से गड़बड़ हो गई, चलो क्योंकि 10t को तुम इधर लाए तो 10 लिख दिया, ये गलती थी, टी तो लिखा ही नहीं। चलो ओके, रयान आइए, कल तो समय ही बदल गया, कल है ना ये। ये भी गलत हो गया, फाइव का तो साइन चेंज कर दिया, बस फाइव का अपने आप साइन चेंज कर देते हो तो अपनी तरफ है ना, इसका बंदा वो ठीक था, इसका कौन कर दिया। अभी हमने बात में आया, आप कर पाओगे? यस सर। आओ कर लोगे? अच्छा मैं
चलो ठीक है भाई, ठीक है। बीच बताया नहीं करो सही है या गलत है, ठीक है, नहीं तो फिर लोग करेक्ट कर लेते हैं। रुक जाओ, ठीक है, आधा गलत है सर। ये यहाँ पे सेवन आएगा, फाइव सेवन जो था और तो सही। चलो बताओ ये करोगी, गलत है बेटा, देखो यही लाइन गलत हो गई, माइनस लाइन को तो इधर दे दिया, प्लस लाइन नहीं किया ना। आओ हाँ हाँ एट है, आप आए अभी ट्राई किया किसी? आओ बीच वाला, चलो पहले ट्रांसफर किया जाएगा, सीधे नहीं लिखोगी, फिर पीछे जुड़ा लाओ तब फिर सब करने गया क्या टेंटी को लाइन को उधर ले जाओ। टेंटी को उधर ले आओ, अभी तक ठीक हो रहा है, करो एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, एक और लिखो अगला स्टेप, टी इज इक्वल टू क्या लिखो, पहला ही नाम है ना। अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन देखेंगे, अभी मानसी का पहला इनाम ड्यू है, आपको नहीं करना ना, मैथ में एक गलती भी गड़बड़ है।
चलो टेंथ देखो, टेंथ क्वेश्चन पहला है 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 और 10f माइनस 9 है, सही है? अगर डेसिमल हटेगा तो बोलो क्या होगा? 25 दो डिजिट पर है, 4f माइनस 3 अगर इसमें भी डेसिमल हटेगा 700 और 10f माइनस 9 सही है? यस सर। अब देखो 100 से 100 कट 100 से 100 काट भी सकते हैं। यस सर। दूसरा इज इक्वल टू के बाद है सर। या ये 100 जो नीचे है वो दूसरी तरफ ऊपर ले ले, ये भी तो हो सकता है। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। तो ये 25/100 है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, अब या तो ऊपर नीचे कट कर दो। यस सर। 4 25 ठीक है, इसको करो 5 से कट करो। 5 ये जरा बताओ 5 2s 10 होता है क्या? हाँ होता है, 5 से कट बनाओ तो 20 हुआ कि नहीं? तो ये क्या बचा बोलो, 1/4 और 4f-3 और ये क्या हुआ? -1/20 और 10f-9 अब जरा मल्टीप्लाई करो 1/4 का 4f में। देख लो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है 4f में, तो बोलो क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। 1/4 का 3 में करो 1/4 है उसको 3 में करो। ओके सर। ओके सर। 1/4 को जरा 3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या 3/4 आएगा? यस सर। माइनस भी आ जाएगा। और यहां देखो 1/20 को जरा 10f में करो क्या आएगा? यानी 1/2 या f/2, f भी तो है ना, 1/2f, तो f/2 भी लिखा जा सकता है। और 1/20 को 9 से करो तो 9/20, f को f की तरफ ले जाओ, डिजिट को डिजिट की तरफ ले जाओ तो बोलो f है और माइनस f/2 और उधर देखो ये चीज प्लस में हो जाएगी और माइनस 9/20 रहेगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 आएगा। तो आते हैं यहाँ क्या आएगा? सो नहीं आया, पहले 1 से डिवाइड करो तो 2 आया, तो क्या आया बताओ? 2f। और यहाँ क्या आएगा रयान? f आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 में डिवाइड किया तो क्या आया 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो f आया। समीर, इन दोनों का एलसीएम 20 है तो यहाँ क्या आएगा? सर 5 4, 5 या 20? यस सर। यस सर। 15 आया। पलक यहाँ क्या आएगा सर? 9 को भी 20 से 20 में डिवाइड किया बनाया तो 9 आ गया। अब 2f से f को माइनस करो f by 2 और यहाँ पे कितना है 15 - 9 6/20 f को यही रहने दो और जो चीज डिवीजन में है उसको कहाँ ले जाओ? मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 2 आ गया। 2 से 20 को कट करो 6/10 तो f इज इक्वल टू 6/10 सो दैट इज r इज इक्वल टू 3/5 2 से कट कर दो तो 3/5 f इज इक्वल टू 3/5। कुछ लोग इसको सिंपली भी कर सकते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करना हो, जरा मल्टीप्लाई करो सर 1 0.25 में 4 का मल्टीप्लाई करो सर 1 4f है तो 4 से करो जरा 4 5 0 20 और 4 2 8 तो 100 आ गया। 100 आने पे दो डिजिट पहले डेसिमल लगा दो 1 आ गया 1 तो इस समझ आया कि नहीं? Yes, इसका इसे मल्टीप्लाई किया तो 1.00 आया। Yes, तो यहाँ से जब मैं इसको लिख रहा हूँ 0.25 4f-3 इज इक्वल टू 0.05 और 10f-9 तो मल्टीप्लाई किया तो क्या इसमें 1f आया? Yes, sir, या सिर्फ f आया? F. और इसका इसमें करो जरा 0.25 sir, 0.75 सही है। 3 से करो तो 3 5 15 और 3 2 6
तो 0.75 बोला जाता है, 75 नहीं, अलग अलग डिजिट बोले जाते हैं पॉइंट के बाद। अब इसका जरा इससे मल्टीप्लाई करो शौर्य, 0.50 और इसमें 10 का करो, तो 10 से करो तो 10.5 या 50 हो गया, 0.50 0.50 आ गया। तो यानी आप इसे 0.50 ना लग के 0.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के आगे कितने भी जीरो उसका कोई मतलब तो होता नहीं बेटा। क्या नाम है आपका? आरव ना। हाँ अच्छा ये देखो, तो वो सवाल कर लिया था आपने ना जब आए थे बोर्ड पे, एक गड़बड़ी हुई थी। अच्छा इसका इसे मल्टीप्लाई करो आरव जरा, 0.5 करो, 0.5 करो, तो कितना आया? 0.45 सही है, 0.45 तो सबने मल्टीप्लाई हो गया। एफ इधर है और एफ माइनस 0.5 है, इसको इधर माइनस में लिया, उधर देखो इसको उधर जाएंगे तो प्लस में लेंगे, 0.75 और ये माइनस 0.45। अच्छा एफ में से 0.5 एफ घटाना है, तो 1 में से 0.5 गया तो कितना बचा? 0.5 भाई, 1F में से 0.5 F घटाओ, तो 0.5 तो 1 में से आधा घटाओ, 0.5 तो आधा होता है ना, 0.5 तो कितना हो जाएगा? 0.5F और यहाँ कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करो, जिसे ना समझ में आए ना तो 1 से घटा के देख लेगा 0.5 0.20, तो यहाँ से पता चल जाना है ना, इसको इसको कैरी दिया तो 0.5 आ रहा है कि नहीं, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लेना 1F में से तो पता चल जाएगा। और यहाँ बताओ 0.5 और 4.5, तो ये सब्ट्रैक्ट करो 0 और 3 0.30 प्लस का आ जाएगा तो 0.30। तो एफ को क्या लिखे? 0.30 अपॉन 0.5, चाहे तो आप यहाँ 0.5 कर सकते, इतनी बात सही है। अब पॉइंट कर सकते, ऐसे नहीं कटेंगे क्योंकि नीचे दो ऊपर दो डिजिट है नीचे, तो जो नीचे का एक कटेगा तो ऊपर वो क्या करेगा बताओ? जीरो। जैसे ये हटाया तो इसके हटाने पे ऊपर 10 आएगा, एक डिजिट पहले ना, और इसके हटाने पे क्या आएगा बताओ? सर नीचे 100, क्योंकि ये दो डिजिट पहले। तो अब बताओ इसके बाद अब ये कितना बच गया? क्या ये 30/5 हो गया? Yes, इसके दोनों जीरो हट गया, इन दोनों का भी एक एक जीरो काटो तो ये क्या 1/10 हुआ। Yes, sir. और इस जीरो को इससे कट कर दो तो F क्या आ गया? 3/5 आ गया। कुछ लोग यहाँ करने के बाद इसको भी सीधे सीधे काट सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा करें। इसको देखो, हाँ 0.6 देख लो, एक और भी तरीका बता रहा हूँ, अगर दोनों तरफ प्रोडक्ट है ना सिंपली भी ऐसे कट कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कितना है बताओ? 25/100 और यहाँ क्या है? 5/100 दोनों तरफ प्रोडक्ट है तो 100 उधर ले जाओ, उससे अच्छा है नीचे नीचे भी काट सकते, क्योंकि 100 ऊपर जाएगा तो कट नहीं जाएगा। yes. फिर तो सर हम सर मल्टीप्लाई ऐसे ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आसान से 25 और 25 4 जा 100 और माइनस 75 और 5 से करो 50F माइनस 45 और बोलो 100F माइनस 50F यही कर लो, समझ आ गई बात आपको? या तो फिर आप इस 100 को इनटू मल्टीप्लाई लिखे तब काटो, एक ही बात, क्योंकि जो नीचे की चीज दूसरी तरफ ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो भी तो कटेगा ही। आपको तीन सवाल करने हैं, 8, 9 और 10। अगला क्वेश्चन देखो, हो गया? हाँ।
एक्स माइनस टू और टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू टू थ्री एक्स माइनस वन प्लस सेवन बाई टू ठीक है नाउ सो ये तो 5x हो गया दिया आगे बताओ 5x माइनस 4x माइनस 17 प्लस 17 प्लस 14 6x माइनस 2 प्लस 7 बाय 2 हो गया अच्छा इन दोनों को सॉल्व करो सर x x प्लस 14 इज इक्वल्स टू तो ये 6x है माइनस 2 प्लस 7 बाय 2 अब x को एक रख लीजिए x माइनस 6x 0 2 माइनस 2 प्लस 7 बाय 2 और माइनस 14 सही है यहाँ कितना आएगा सर माइनस 4 माइनस x देवव्रत सर बता रहा है ये बताइए आपका हो गया ना क्वेश्चन बुक नहीं है आपके पास बुक से देखो सर अच्छा अच्छा ठीक है अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे ले लिया यहाँ क्या आएगा माइनस देखो वन से किया टू आया तो माइनस फोर आ गया टू से करो प्लस सेवन वन से करो माइनस ट्वेंटी माइनस 28 आया माइनस 5x इज इक्वल टू इन दोनों को जरा सॉल्व करो प्लस सेवन माइनस अच्छा तो आप नहीं कर रहे नहीं तो इन दोनों को भी कर सकते हो इन दोनों से कितना आएगा बताओ थ्री आएगा तो थ्री माइनस बाकी लोग भी जहाँ अच्छा अच्छा तो लेकिन सर फोर माइनस सेवन को देखो ये दोनों अपोजिट साइन के हैं सब्ट्रैक्ट करो और बड़े वाले का साइन लगा तो जो है sir, अब फिर इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करो और बड़े वाले का साइन लगाओ सर 12 माइनस 25 सही है तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 25 2 अब x को क्या लिखेंगे ये चीज कहां जाएगी सही है माइनस 25 बाय 2 इनटू माइनस 5 इनटू 1 अपॉन माइनस सर क्योंकि सर नहीं तो वो नहीं कटेगा जो मल्टीप्लाई में वो चीज कहाँ जाएगी दूसरी तरफ डिवाइड डिवाइड में जाएगी तो निगेटिव से निगेटिव कटा यस सर 5 से काटिए सर 5 आ गया तो बोलो आंसर क्या आ गया 5 और 5 इसको नोट कर लीजिए बाकी जमा करो सर क्या नाम है आ रहा हूँ जमा करिए उसमें फोन नंबर लिखो तो ग्रुप में जोड़ देंगे प्रेजेंट मैम मोबाइल नंबर मालूम है आप वापस समझा देता हूँ देखो 5x माइनस 4x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस टू से करो माइनस वन प्लस 14 आया टू से करो टू थ्री जा माइनस टू सही है 5x और माइनस 4x को जरा सॉल्व करो x प्लस 14 और बाकी सब लिख दिया 6x को उधर ले गए और 14 को इधर ले गए तो बोलो x माइनस 6x क्या हुआ माइनस 5 बड़े का साइन लगाओगे इन तीनों का एलसीएम 2 हुआ सबका एलसीएम लिख दिया माइनस 4 और प्लस 7 कितना हुआ 3 बड़े वाले को लिखोगे और अब इन दोनों को करो सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन लगाओ माइनस 25 सर माइनस हाँ बोलो
ये वाला ना, यहाँ से बताएं, यहाँ से वन से टू में डिवाइड करो, टू से टू में मल्टीप्लाई करो, तो माइनस हो रहा है, इससे डिवाइड करो, नहीं वन, वन से मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, टू से मल्टीप्लाई करो, सही है। फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करो, दो दो को सॉल्व करो, फोर और सेवन से क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो और बड़े का साइन लगा दो, इसको भी लिख दो, और थ्री और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करो और बड़े का साइन लगा, क्योंकि अपोजिट साइन है ना, तो माइनस 25 आ गया। yes, फिर माइनस 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये कट के 5 आए और 5 बाई 2 आ गया। अच्छा सुबह की कल क्लास है आपकी, साइंस की 9 to 10:30 साइंस है मॉर्निंग, शाम को तो जो रहेगी वो रहेगी हिस्ट्री कर देंगे, अभी साइंस कर देंगे, अभी सेकंड चैप्टर शुरू हो गया ना आपका। यस सर, कर देंगे। आपको कल कैसे मिलेंगे? चलो तो